फिल्मेकर करण जौहर अपनी फिल्मों के अलावा भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। करण जौहर कई बार नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर भी खबरों में रहते हैं और एक्ट्रेस कंगना रनौत तो कई बार उन पर इसको लेकर वार भी कर चुकी हैं। करण जौहर अपनी फिल्मों में स्टार किड्स को मौका देते हैं और उनका कहना है कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। करण ने कहा कि वो इसलिए कभी माफी भी नहीं मांगेंगे। वहीं अपनी बात में करण ने आलिया भट्ट का भी जिक्र किया है। मिड डे से बात करते हुए फिल्ममेकर करण जौहर ने कहा कि अगर कोई शख्स इंडस्ट्री से जुड़ा है तो जुड़ा रहने दो। करण का कहना है कि आलिया भट्ट मेरी पहली बच्ची की तरह है और वो न सिर्फ पर्सनल बल्कि पब्लिक में भी उन पर प्यार लुटाते रहेंगे। लोगों को जो कहना है कहने दो। इसके बाद करण जौहर ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि नेगेटिविटी उस शख्स की को खा जा रही है, मुझे नहीं। अब अपने इस बयान के कारण करण ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कंगना की ओर ही माना जा रहा है क्योंकि करण पर सबसे अधिक जुबानी हमले वही करती हैं। करण ने आगे कहा कि वो इन सब चीजों से आगे बढ़ चुके हैं और अब लोगों के कहने के मुताबिक वो अपने जीने का तरीका नहीं बदल सकते। करण का कहना है कि उन्होंने शुरू से ही वही किया है जो उनका दिल कहता है। करण कहते हैं कि भले ही वो किसी ऐसे शख्स को लॉन्च करते हैं जो फिल्मी फैमिली से हो तो उसके लिए शुरुआत आसान हो सकती है, लेकिन बाद में उसे खुद को साबित करना होगा। करण का कहना है कि जो लोग फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए कई अलग वेंचर चल रहे हैं। करण ने इसके लिए धर्मेटिक शो, धर्मा प्रोडक्शन मूवी, धर्मा 2.0 और DCA का जिक्र किया। करण ने कहा कि इसमें करीब 1000 से 1200 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 98% लोग इंडस्ट्री में नहीं हैं। करण ने तो ये भी कहा कि इस बारे में बात क्यों नहीं होती है, क्यों उस स्टार किड की बात होती है जिसको मौका मिला है। उन हजारों लोगों का क्या जिन्हें चांस दिया गया है, जो इंडस्ट्री से हैं ही नहीं और अच्छा काम कर रहे हैं। वेल, करण की इस बात पर तमाम तरीके के रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इस बात पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।